मणि जी नानी भाभी, फटाफट बर्तन कर ले, उसके बाद जिन्होंने व्रत रखा है उसके लिए साबूदाना तैयार कर दे। और हाँ, जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उसके लिए उपमा बना दे, अने जल्दी हाथ चलाओ, समझी गई? जी। माँ जी, आपके तो उपमा मैं बना दूं? और हाँ मणि, खीर के लिए केसर और मेवा निकाल दे, किंजल के सासरे वालों के लिए मैं खुद खीर बनाऊंगी। कोकिला, पहले तुम इतने काम कर रही हो, एक काम करो, हम में से किसी को दे दो ये खीर बनाने के लिए, हम बना देंगे। माँ जी, इतना काम तो कर लेने दीजिए, खीर मैं बना दूंगी। गोपी, मैंने तुमसे क्या कहा है? नवरात्रि के 9 दिनों तक तुम किसी भी काम में भाग नहीं लोगी। इसका क्या मतलब हुआ, समझती हो ना तुम? अब काकी जी, खीर मैं बना दूं? हरगिज नहीं। बनाने देना कोकिला, हम सब भी हैं ना आसपास, हम ध्यान रखेंगे। ठीक छे मोटा भाभी, लेकिन एक बात, आप राशि को अच्छी तरह से खीर बनाना सिखा दीजिए कि हमारे घर में कैसी खीर बनती है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए, बिजली बिल की तरह, समझी गई राशि? तुम चिंता मत करो कोकिला, हम है ना, हम ध्यान रखेंगे। मणि, तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाके ड्रेसिंग टेबल साफ कर दो, यहाँ रसोड़े का सारा काम मैं कर लूंगी। भाभी, क्या मैं खीर के लिए चावल निकाल दूं? नहीं नहीं, मम्मी जी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, तुम जाओ। भाभी गैस। अब देखना, मेरी A1 खीर को देख के उस तागड़ी की काँव काँव तो बंद हो जाएगी। जिगर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप इतने जल्दी आने वाले हो आज। मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आ गया, डांडिया की प्रैक्टिस करनी है ना, इसलिए। जिगर जी, आपको हो क्या गया है? देखिए, मेरे सामने घर के बहुत सारे काम पड़े और वो भी मुझे आज ही खत्म करने। लेकिन राशि, हमें डांडिया प्रतियोगिता भी तो जीतनी है ना। हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं। राशि, ये सब छोड़ो और चलो प्रैक्टिस करो। अरे अच्छा, चलो। भाभी आइए ना आप। नहीं देवो जी, मैं ठीक हूँ। आइए ना आप भी। अरे नहीं देवा जी, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए चले चलिए। ये राशि अपने आपको बहुत चैंपियन समझती है, दिखाइए आप इसको एक दो स्टेप्स करके और बता दीजिए। देवा जी, मुझे नहीं आता। जिगर जी, गोपी सच कह रही है, इसे डांस करना बिल्कुल नहीं आता। अगर नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगी। दोनों दोनों राशि, चलिए अब जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे करती रही। हे भगवान, इतना तेज संगीत कौन? हाँ
जिगर। जिगर, तुमने हिम्मत कैसे की गोपी से बात करने की? जब मैंने सख्ती के साथ कह दिया था कि कोई भी गोपी से बात नहीं करेगा, तो तुमने हिम्मत कैसे की? काकी, मैं तो वो बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूं जिगर। इस बार मैं तुम्हें छोड़े देती हूं, आइंदा मेरी बात काटने की हिमाकत भी मत करना तुम, समझी गए हो? दौड़ क्या? जी जी नानी भाभी। ये सफाई का पोछा सोफे पे क्या कर रहा है? यहां क्यों पड़ा है? उठाओ इसे और जल्दी से सफाई का काम खत्म कर। जल्दी हाथ चलाओ। राशि, खीर बन गई? जी काकी जी, बस लगभग हो ही गई। लगभग? तुम्हारे हर काम में ये लगभग लगभग क्या चलता रहता है? आज घर में विशेष मेहमान आने वाले हैं और तुम लोग डांडिया खेल रहे हो। कल न थी? अब जाओ, जाकर देखो खीर ठीक से बनी है या नहीं। जी। और कुछ लोग तो इतने बेशर्म हैं, काम करने के लिए मना किया गया तो नाचना शुरू कर दिया। शर्मी की भी हद है। माफ कर दीजिए गोपी भाभी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं देवजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ओ
अरे कोकिला, ये शोर कैसा था? जिगर और राशि प्रतियोगिता के लिए डांडिया का अभ्यास कर रहे हैं। अरे कोई जरा इनसे पूछे, भरी दोपहर में कोई ऐसा कान फाड़ू संगीत बजाता है? वैसे राशि को मैंने खीर बनाने के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन जरा राशि को देखिए, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। उसे तो सिर्फ प्रतियोगिता की पड़ी हुई है बस। जवा देने को किला, देख तूने मुझसे कहा था ना चांदी के बर्तन निकालने के लिए, देख मैंने निकाले हैं, तू देख ले। बहुत सरस छे मोटा भाभी, एक काम करते हैं, मणि से कह के इसे अच्छे से साफ करवा देते हैं। मणि! अरे कोकिला देखना, चमक तो रहे हैं। अच्छा ठीक है, बस तू कह रही है तो मैं मणि से कहकर गीले कपड़े से इन्हें पुछवा देती हूँ, ठीक है? हाँ चल। मोटा भाभी, आप तो जानती हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, राशि रात भर दिया जलाने के लिए जागती रही, तब भी उसमें इतनी शक्ति बची है कि वो प्रतियोगिता के लिए उछल कूद कर रही है, धमाधम धमाधम, इतनी फुर्ती उसमें कहां से आई, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। चलो जो भी कर रही है, घर संभालने लगी है ना अच्छी तरह से, बस और क्या चाहिए हमें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।